जी 11 बजे की फ्लाइट है और 3 घंटे पहले आना होता है दिल्ली एयरपोर्ट पे, यानी कि 8 बजे। तो मैं पहुंच चुका हूँ 6:30, थके हुए हैं थोड़े। ये आप बाहर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, लाइनें लगी हुई हैं, लोग जो बाहर जाने वाले हैं उनको छोड़ने वाले, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इतना अर्ली टाइम नहीं है लेकिन भीड़ बहुत है। सोजी बोर्डिंग पास ले लिया है, अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने गेट की तरफ सुबह सुबह जूस का आनंद लेते हुए। सो वाया फ्लाइट है मेरी बैंकॉक टू मेलबर्न। तो फ्लाइट में बैठ गए हैं और विंडो सीट मिल गई है हमें। अभी ये थाई एयरलाइंस में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एयर होस्टेस क्या कह रही है। आया समझ? अरे यार मेरा स्वागत कर रही है, कुछ नहीं। तो लो जी फ्लाइट अभी उड़ने वाली है, ये रनवे पे दौड़ रही है, आकाश में उड़ने को रेडी है। थोड़ी देर बाद मेलबर्न की तरफ रवाना होंगे आकाश मार्ग से। थाईलैंड की धरती पे ये उतर रही है, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है आगे मेलबर्न के लिए। ये उतर गए। जी स्वागत है अभी नेक्स्ट पारी में, यानी कि थाईलैंड टू मेलबर्न। अभी जाएगी ये फ्लाइट मेलबर्न।
देखो वैसे लंबी लंबी फ्लाइटें होती तो बहुत बोर हैं, लेकिन ये सामने जो स्क्रीन में फिल्में चलती हैं ना वर्ल्ड सिनेमा, तो लंबी फ्लाइट में दो फिल्में तो मैं देख ही लेता हूँ। अब है नज़ारा, ये देखिए मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया अपनी ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है, तो ये अभी बहुत नज़दीक आ गए हैं हम ज़मीन के, तो ये आप थोड़ा महसूस कर सकते हैं क्लाउड ग्रीनरी। वाह, हमेशा मैं सोचता हूँ अपने दोस्तों के बारे में, बहुत से दोस्त हैं, तो ये भाई साहब मुझे एकदम लगा मेरे कॉलेज के दोस्त ना मनीष आ गए, वो सिंगर है तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना लिया। तो अभी उतर चुके हैं मेलबर्न की धरती पे, बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेशनेस से दिख रहा होगा कि ज़्यादा थके नहीं हैं क्योंकि इंजॉय किया। ये देखो चाइनीज़ बच्चा, तो ये लंबी लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन के लिए। सो फाइनली 8 घंटे बाय रोड, 4 घंटे इंडिया टू बैंकॉक, 3 घंटे वहाँ स्टे, और 9 घंटे की वहाँ फ्लाइट फिर पकड़ के फाइनली पहुँच चुके हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। Have a nice stay. I'm saying myself, thank you. तो थैंक यू, ये है जी मेरी फेवरेट हमर कार, क्योंकि अन्ना के पास भी यही है, तो आज इसमें बैठने का नज़ारा भी लेंगे। और देखिए ये मेरी ही गाड़ी है, देखिए नंबर JUS 9, तो कलर भी बड़ा अच्छा है, तो मैं इन्जॉय करते हैं। थैंक्स टू अमरदीप जी एंड जसपा जी हमर में आने के लिए। तो एयरपोर्ट से भी निकल रहे हैं, ये बड़ा अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत, देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा है और बड़ा वेदर कमाल का है। ये एग्ज़िट पॉइंट और ग्रीनरी, तो ये थोड़ा शहर का नज़ारा है। तो फाइनली घर आए हैं अमरदीप बहन जी के, जिन्होंने ये PTFA का शो करवाया है, थैंक्स टू होल टीम। तो आइए चाय पीते हैं फिर निकलते हैं होटल की तरफ। तो जी वैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ आते पता चला है कि जैसे दिसंबर में पंजाब में ठंड है वैसे इधर है। और साथ में हमारे सरदार मनप्रीत सिंह जी हमारे होस्ट हैं PTFA से। पाजी फिर कहाँ घुमाने ले जा रहे हो आज? अच्छा गुड, तो पाजी बड़े रंगीले बंदे हैं और अकाउंट से ताल्लुक रखते हैं और देख सकते हैं डैशिंग। और कितने साल हो गए पाजी आपको ऑस्ट्रेलिया? लगभग 20 साल। 20 साल, अरे जितने हमें थिएटर स्टेज की दुनिया में हो गए उतने इनको यहाँ हो गए 20 साल। तो फिर खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे
3,000 सो दोस्तों थैंक यू बने रहने के लिए। अभी जा रहे हैं होटल की तरफ जहाँ पे 4-5 दिन मैं रहूँगा, और बाकी का पार्ट अगले वीडियोस में। सी यू, बाय।